इस बार अब क्या करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो बनना है? हाँ बनना है। पवन जैसा की खेसारी जैसा बॉडी बनाना है? नहीं, उससे उस सबसे हट के बनाना है हमको। उस सबसे हट के बनाना है मतलब हीरोइन आके आपसे मिल रहा है? जलवा देखिए इनका, फोटो खिंचा के चला जाता है, फोटो खिंचा के चला जाता है लोग। देखिए अभी हमारे साथ फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी है और एक बार फिर से कमबैक किए हैं और इस बार काफी चर्चा में है। लेकिन इस बार जो चर्चा में है अपने फिल्म और गानों के लेकर के चर्चा में है, और पहली बार जब इनका चर्चा हुआ था फर्जी आईपीएस के रूप में चर्चा हुआ था। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इनका कौन सा गाना, कौन सा फिल्म आ रहा है और कब आ रहा है। आप पवन और खेसारी लाल को टक्कर देने के लिए आ गए इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे आपका गाना जो है चारों तरफ चर्चा हो रही है गाना का? हाँ गाना चर्चा हो रहा है। मुरजे साहब बोले पवन सिंह का खेसारी लाल को टक्कर, उसको हम नहीं दे पाएंगे कभी। नहीं 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 नहीं, इस बार फिर से आप खूब चर्चा में है। जितना आईपीएस बनने के बाद चर्चा में आए थे उससे ज्यादा फिर इस बार चर्चा में है कि आईपीएस साहब का गाना आ रहा है, फिल्म आ रहा है। ये बात सही है। इस बार अब क्या करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो बनना है? हाँ बनना है, लेकिन उसके लिए बॉडी बनाना पड़ेगा। बॉडी हम बना लेंगे। बॉडी बना लीजिएगा? बना लेंगे। कैसे बनाइएगा बॉडी? खाएंगे पिएंगे, जिम वुम मारेंगे। जिम मारिएगा तो बॉडी बन जाएगा? पवन जैसा की खेसारी जैसा बॉडी बनाना है? नहीं, उससे उस सबसे हट के बनाना है हमको। उस सबसे हट के बनाना है? जैसे कि चकुदार और सिपाही को छोड़ के आईपीएस बन गए थे, वैसी कह रहे हैं कि किसी को छोड़ने वाले नहीं है, पवन खेसारी से भी अच्छा बॉडी बनाएंगे। नहीं अच्छा नहीं, जैसे उसका बॉडी बहुत ज्यादा है, मेरा दोनों से कम रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। तो इस बार कौन सा फिल्म आ रहा है? फर्जी आईपीएस माने हाँ, जो फर्जी आईपीएस जो मेरे साथ बीता है, गलत काम हुआ, वही के थ्रू जो सच्ची घटना आपके साथ हुआ है उस पर आ रहा है फिल्म। हाँ, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके दर्शक इतना 12 लोग है पूरा देश में, क्या कहिएगा लोगों को? लोगों को यही कह रहे हैं कि मेरा जो फिल्म शूटिंग होगा उस पर यही बोले थोड़ा सपोर्ट करेगा आप लोग। हाँ। और जो मेरा गाना रिलीज हो गया उस पर आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, जो गाना भी मेरा निकला है तो आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, हमको बहुत खुश लग रहा है, और उसी तरह ये भी फिल्म को दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी के ऊपर फिर से आ गया धब्बा बनाने, कि पढ़ा लिखा नहीं है और फिर से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया इतना, उसको क्या कहिएगा? उसको ये करे, देखिए मेरा जो गलती था, चलिए माने कि मैं गलती की है, अब उसका थ्रू हम वायरल हो गए तो उसमें मेरा गलती नहीं है ना, माने कि चलो हम गलती किए हैं, अब गलती के चलते हम इतना वायरल हो गए तो देखिए कब किसका नसीब माने रहता है, वो तो हमको भी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने ना? हाँ, गलती तो हम बोल रहे हैं, जो हमसे हुआ है हम उससे क्षमा मांगते हैं, जो हो गया हो गया, अब से दोबारा ऐसे काम नहीं होगा, हम खुद अपना दूसरा काम में, अब जो इधर हमको काम मिला बस यही करेंगे, और जो वो सब गया वो खत्म, वो माइंड जो बात हुआ वो सब माइंड से हम निकालनी है, माइंड से निकाल दिया। हाँ अच्छा, लेकिन जमुई पुलिस तो पेपर में आउट हुआ है, कह रहा था कि मिथिलेश किसी मनोज सिंह से मिला ही नहीं है। नहीं नहीं, वो देखिए अब वो मीडिया वाला आया मेरा घर में, बहुत बार अनशन पूछा, पूरा पूरा एकदम जमुई पुलिस का बयान है, पुलिस ने बोला है, पेपर में छपा है? नहीं अभी हमको पता नहीं है, पेपर में छपा, हम दिखा भी सकते हैं आपको पेपर, मेरे मोबाइल में कटीन है उसका। नहीं पता नहीं। अच्छा, आपके फिल्म में हीरोइन कौन है? आंसू। आंसू हीरोइन है? अच्छा, किरदार क्या चीज़ का आंसू निभाई है? हीरोइन जो हीरोइन है आपकी। अच्छा आंसू, आप इनके साथ काम कर रहे हैं फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में? हाँ। जरा बाबू सीधा से बैठ जाओ, ठीक है करे। अच्छा आंसू, आप इनके साथ शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं? हाँ। कौन सा फिल्म आएगा? फर्जी आईपीएस। जोर से बोलना, खाए नहीं हो तुम? ये तो नहीं खाए हैं, थोड़ा टाइट से बोलना, ठीक है? आशू, इनके साथ तुम्हारा फिल्म आ रहा है आईपीएस के साथ? हाँ। कौन सा मूवी आ रहा है? फर्जी आईपीएस आ रहा है। अच्छा, इनके साथ किरदार करी हो? हाँ। क्या चीज का किरदार की हो? हीरोइन बनी हो। देखिए आशू हमारे साथ है और इधर फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी है, दोनों लोगों का जो है शॉर्ट मूवी आ रहा है और बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद शॉर्ट मूवी आएगा, लोग काफी इंतजार कर रहे हैं शॉर्ट मूवी का। इनके साथ है, कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। फर्जी आईपीएस के साथ काम करके अच्छा लग रहा है। हाँ। आपके पापा कह रहे हैं कि मामा से पैसा लिया ही नहीं है। ये बात हमको अभी पता नहीं, अभी हम दूसरे माइंड में है, अभी उस सब हमको कुछ पता नहीं है, वो सब अभी बात नहीं बता सकते, सब नहीं है, आप कल आके वो सब बात पूछेगा, नंबर लीजिएगा, फोन पर बता देंगे। नहीं, पेपर में छपा है, पुलिस का बयान है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि जो नंबर आप दिए हैं कि मिथिलेश का है, वो नंबर आपके रिलेशन के लोगों का निकला है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, गलत बात। चलिए, हमारे साथ आप फर्जी आईपीएस को देख रहे थे जो कि एक बार फिर से मार्केट में छाए हुए हैं और काफी वायरल हो रहे हैं, चर्चा इनका इसलिए इस बार हो रहा है क्योंकि फर्जी आईपीएस का इस बार गाना आया है और शॉर्ट मूवी आने वाला है। अब इनके बारे में और इनके किरदार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं
कि फर्जी आईपीएस आ गया है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके डिग्री पर डैश डैश करेंगे। अंत में क्या कहेंगे लोगों को? अंत में यही कहना चाह रहे हैं जो ये जो हमसे गलती हुआ है, कैमरा पता के बोलिए ना, अंत में क्या कहेगा लोगों को? हम लोगों को यही कहना चाह रहे हैं जो आप सब तो जानते हैं हम कैसे फंसे नहीं फंसे, जो हो गया अब हमसे जो गलती हो गया अनजाने में हुआ तो वही हम खोज रहे हैं, जो अनजाने में हो गया वही हम क्षमा मांग रहे हैं, जो हो गया हो गया, जो अब दोबारा ये सब गलती नहीं करेंगे। और बात रह गया मेरा गाना और मूवी का, तो ये देखिए हम अपना मेहनत से अथी कर रहे हैं और खुद घर चलने मानी कुछ काम मानी मिल गया इसमें, तो इसलिए हम इसमें आ गए। अच्छा एक और सवाल, आपका शादी हो चुका है ना? हाँ शादी हो गई। तो लोग काफ़ी पसंद करता है कमेंट में, लोग क्या क्या लड़कियाँ लिखती है? लड़की तो बहुत कमेंट करती है, तो जानते हैं हम। यहाँ आने के बाद अच्छा अच्छा हीरोइन से मिले होंगे, गाना शूट हुआ होगा तो फिर कैसा लगा होगा सो बताइए। हीरोइन तो सब फेट उठ खिंचाता है। क्या फेट उठ खिंचाता है? ऐसा हीरो मतलब देखे थे सेट पहले, हीरोइन हीरोइन से मिले से पहले कभी? नहीं मिले मुरु खुदा के हमसे मिला था। मतलब हीरोइन आके आपसे मिल रहा है? हाँ। जलवा देखिए इनका, जलवा देखिए, जलवा कितना कायम है कि हीरोइन आकर के इनसे मिल रहे हैं। हाँ। क्या कहते हैं जब मिलने आते हैं? फोटो खींचा के चला जाता है। फोटो खींचा के चला जाता है। हाँ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।